सारे पॉलिटिकल विश्लेषक कहते थे मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं जीतेगी। 18 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस घोषणा करती थी क्लीन स्वीप करेंगे, और तो और मेरी पार्टी के नेता भी कहते थे मुश्किल है, नहीं हो सकता, गड़बड़ है। लेकिन ने तय किया कि किसी भी कीमत पर मेरी पार्टी को जिताऊंगा, कोई ताकत दुनिया की मुझे जीतने से नहीं रोक सकती। एक संकल्प पैदा हुआ और उसके अनुरूप काम किया। मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, 2 घंटे सोता था मैं, केवल 2 घंटे। रात के 10 बजे तक पहले हेलीकॉप्टर की सवाएं, और हेलीकॉप्टर का मैंने कभी पंखा बंद नहीं होने दिया। दौड़ के कूदता था, सभा करता था, दौड़ के बैठता था, और रात में बाय रोड फिर मीटिंग, फोन। 2-2.5 बजे भोपाल आता था, 2 घंटे सोता था, फिर काम तो शुरू हो जाता था। सारे लोग कह रहे थे बाद में, कह लगे कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। मैंने कहा लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, मेरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा आपने। और जब रिजल्ट आए तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। अब तक के सबसे ज्यादा वोट मिले बीजेपी को, सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा शानदार सीटें। सोचा और हो गया, मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है। लेकिन छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए। और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। मित्रों, आना पड़ेगा तुम में से कई को राजनीति में, इसलिए कि कई काम बाकी है जो पूरे करने। अभी यहां बता रहे थे हमारे मित्र राहुल जी, 22 जनवरी को वो सौभाग्य के सूर्य का उदय होगा जब अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला विराजेंगे। वो गौरव के पल है, हम सौभाग्यशाली हैं। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद ये हो रहा है, लेकिन राम लला तो आएंगे ही, राम राज भी आएगा। और राम राज लाना है, उसके लिए लड़ना है, काम करना है। ऐसे नहीं हो जाएगा कि मैं तो देखता रहूंगा सोशल मीडिया पे, बस हाथ घुमा दूंगा, मुझे क्या करना ज्यादा है। तुम्हीं को करना पड़ेगा, मैं भी करूंगा, तुम भी करो, हम मिलकर करें। राहुल जी, आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कुछ लोग आए और कुछ अच्छी चीजों के लिए संघर्ष करें। क्या राजनीति में धन का प्रभाव खत्म करने के लिए तुम काम नहीं करोगे? क्या राजनीति केवल अमीरों की तिजोरी से चलेगी? अभी मैं जाता तेलंगाना, जो मैंने सुना मैं तो हैरत में रह गया। एक एक एमएलए का कैंडिडेट 35-35, 40-40 करोड़, कुछ तो 100-100 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। अगर 35-40 करोड़ रुपया एमएलए बनने के लिए खर्चा करोगे तो देश की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे? राजनीति से धन के प्रभाव को समाप्त करना होगा। मैं अहंकार की बात नहीं बोलता, लेकिन मैं लड़ता हूं एक क्षेत्र से। अब तक मैं 11-12 चुनाव लड़ा हूं। एक मुझे लड़ाया था पार्टी ने दिग्विजय सिंह जी, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके खिलाफ, तो वहां भी लड़ने पहुंच गया था। लेकिन एक ही क्षेत्र से 11 बार जीता हूं, और आज कोई मेरे क्षेत्र में जाके देख लेना, सरेआम मीडिया के सामने कह रहा हूं, मैं चुनाव में प्रचार करने नहीं जाता। एक दिन पहले फॉर्म भरने के निकलता हूं तो गांव की जनता आती, मुझे थैली भेंट करती जिसमें पैसे और एक सूची होती, रामलाल के 100 रुपए, श्यामलाल के 200 रुपए, और उस पैसे से चुनाव लड़ते हैं। ये भी होता है, ईमानदारी से काम करो, जनता साथ देती।
नौजवान को आगे आगे ना पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण मेरे जीवन का मिशन है और स्त्री और पुरुष को बराबरी पे मैं ला कर रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। राजनीति के अलावा भी मैं इसके लिए काम करूंगा। फ्री एजुकेशन बच्चों को, प्राइवेट कॉलेज में हम फीस भरते हैं सरकार की तरफ से। मध्य प्रदेश में सीएम राज स्कूल हम बनाए। बच्चों को क्या गरीब है तो अधिकार नहीं है कि वो ढंग से पढ़ाई करे? क्या धन के अभाव में उसका टैलेंट मारा जाएगा? ये बहस का विषय। हर बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा फ्री होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं ये मूवमेंट चलाऊंगा। पास कम से कम रहने की जमीन का टुकड़ा तो चाहिए। भगवान ने पैदा किया तो इतनी धरती तो नाम पे छोड़ी होगी कि जिसपे अपना घर बना के रह सके। मुंबई में ही देख लो आप, झुग्गी झोपड़ियों में कैसे कई लोग, ये देश के हर राज्य में, मैं किसी राज्य विशेष की नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। और मित्रों, अंतिम बात, पर्यावरण बचाना पड़ेगा। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, रोज। मुझे लगा कि मुख्यमंत्री बनकर भाषण दे दो, पेड़ लगाओ, खुद कुछ ना करो, इससे नहीं होगा। पहले जो कहते हो वो करो। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक इस धरती को बचाना है। इसलिए पर्यावरण जैसे विषय को भी केंद्र पर रख के राजनीति करनी पड़ेगी। आज मैं आप सबको छात्र संसद में एक बार फिर आह्वान करता हूं, मत समझो राजनीति को बुरा। आओ, किस दल में आते हो ये आप सोचो। मैं तो बीजेपी अच्छी मानता हूं, बीजेपी की बात करूंगा, क्योंकि देश के लिए, समाज के लिए मुझे लगता है ये पार्टी सबसे बेहतर काम कर रही है। मेरे लिए साधन है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप जरूर आइए सार्वजनिक क्षेत्र में। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। बड़ा काम करने के लिए तो जियो। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था एक प्रश्न, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, मनुष्य पैदा होता है, बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, पढ़ता है, फिर और बड़ा होता है, शादी होती है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। जो आया उसको पता है एक दिन जाना ही है, अमर होके नहीं आया। लेकिन व्यवहार हमेशा ऐसा करता है जैसे हमेशा इस दुनिया में रहना, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मैं ये कह रहा हूं कि आए हो तो 100 साल, 90 साल, 80 साल, जियो तो ऐसा जियो कि जमाना कहे कि सचमुच में इसका जीवन अपने लिए नहीं दूसरों के लिए था। स्वामी विवेकानंद जी ने उद्घोष करते हुए कहा था, उत्थिष्ठित जागृत प्राप्त बारिण्य बोधता, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए रुको मत, लक्ष्य बड़ा तय करो, आगे बढ़ो और उसे हासिल करो। मामा भी तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज माय फ्रेंड्स फॉर सच ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड गाइडेंस फ्रॉम श्री शिवराज सिंह चौहान जी, द चीफ गेस्ट ऑफ दिस वैलेडिक्टरी फंक्शन। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन। Thank you very much. My friends, we have the presence of Padma Bhushan.